गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसी मैनपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत उरमाल के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सीईओ व जनपद सीईओ मैनपुर को ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत उरमाल के जांच का आवेदन दिया और इस आवेदन के आधार पर 25 सितंबर को जांच अधिकारियों की टीम द्वारा उरमाल पंचायत में जांच करने पहुंची। लेकिन उरमाल पंचायत में जांच करने आए हुए जांच अधिकारियों की जांच से अब भी उरमाल पंचायत के ग्रामीण असंतुष्ट हैं। उरमाल पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि जांच में आए हुए जांचकर्ताओं ने जिस जगह पर जांच न होना बताया था उस जगह पर भी ग्राम पंचायत उरमाल के उप सरपंच द्वारा कहे जाने पर उसकी जांच की गई। और उरमाल के ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जांचकर्ताओं ने ग्रामीणों के अनुरूप जांच नहीं की और जांचकर्ताओं का ये भी कहना है कि कई ऐसी जगह भी जांच हुई है जहां ग्रामीण की उपस्थिति जांच में नहीं थी। उरमाल के ग्रामीणों ने नाली निर्माण, सीसी रोड निर्माण, कचरा सफाई जैसे कई मामलों में जांच का आवेदन लगाया था और ग्रामीणों का कहना ये है कि ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने कागजों में तो कई निर्माण करा दिए लेकिन अगर उसकी सच्चाई जानने स्थल पर पहुंचे तो उसमें से कई काम केवल कागजों तक ही सीमित हैं। एक ओर सरकार जहां ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को रोकने, ग्राम पंचायत की राशि को डीएससी के माध्यम से भुगतान करना सुनियोजित किया लेकिन इसके बावजूद भी पंचायत के जिम्मेदार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही नजर आती है। अगर तकनीकी सहायक व जनपद के अधिकारियों द्वारा सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाती तो ग्राम पंचायत के जिम्मेदार पंचायतों में इस प्रकार के भ्रष्टाचार को पंचायत के जिम्मेदार अंजाम नहीं दे पाते। जांच समाप्त होने के बाद हमारे संवाददाता द्वारा जांचकर्ताओं से ग्राम पंचायत उरमाल में हुई जांच के संबंध में बाइट देने को कहा तो जांचकर्ताओं ने हमारे पास अधिकार न होना बताकर अपने अधिकार से छिपते व पल्ला झाड़ते नजर आए। जी बताएंगे आपके पंचायत में जो आज जांच हुआ उसमें आप कितना संतुष्ट है? हम लोग तो जितना संतुष्ट होना चाहिए उतना नहीं है। ये जो जांच पड़ताल हुआ वो हमारे पक्ष में नहीं हुआ, पंचायत के पक्ष में हुआ है जांच पड़ताल जितना भी। अब हमारे कहे अनुसार से जो साहब लोग आए थे उन लोग किए नहीं। आप क्या चाहते थे जांच में? हम चाहते थे पूरा जांच हो, जो हमें संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। यदि हमारे कहे अनुसार इन लोग नहीं किए हैं तो हम आगे कलेक्टर जाना चाहते हैं। तो इन्होंने जांच कैसा किया है? इन्होंने वो अपने पंचायत स्तर पर किए हैं, हम लोगों के सहयोग नहीं लिए। जितना अब हम लोग बोल रहे थे उसी अनुसार से तो जांच नहीं किए हैं। तो आप लोग के बिना उपस्थिति में जांच हुआ है? नहीं, हमारे उपस्थिति में जांच हुई है। लेकिन आप संतुष्ट नहीं? नहीं है। जी बताइए। हमारे ग्राम पंचायत उरमाल में सरपंच और सचिव द्वारा बहुत से ऐसे कार्य का पूरा किया गया है बोला जा रहा है जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये हमारे ग्राम पंचायत उरमाल के अंतर्गत बंध्यामाल गांव भी आता है जिसमें से मुर्मीकरण के नाम से बहुत लूटपाट किया गया है। जहां जहां गड्ढा है वहां पे कुछ टाली मुर्मी डाला गया है लेकिन जो जाँच समिति आया गया था उनके द्वारा पूरा रोड का नापा गया उनके द्वारा। तो आप जांच से असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं हम लोग। हमारे कहे गए अनुसार, ग्रामवासी के कहे गए अनुसार नहीं किया गया जांच समिति द्वारा। उनको बोला गया है कि हम लोग चलो सर हम उस जगह पे जाके चेक करते हैं या नापते हैं तो वो लोग बोले कि आप ग्रामवासी जाकर नाप के आओ। उनके द्वारा नहीं नापा? उनके द्वारा नहीं नापा गया। आगे आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि फिर से जांच समिति द्वारा आए और सही रूप से या फिर वही जगह का निरीक्षण करके नापा जाए या फिर जांच किया जाए। अगर फिर से जांच नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? इसके लिए हम कलेक्ट्रेट में जाकर घेराव करेंगे। समय न्यूज के लिए देवभोग से गंधर्व मिश्रा की रिपोर्ट।